महादेव दोस्तों, जय श्री राम, भारत माता की जय। दोस्तों आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों मैं हूं गुरजीत और मैं कर रहा हूं भारत यात्रा। दोस्तों इस वक्त तुम दोस्तों मैं बिहार के राजगीर में, तो आज दोस्तों हम जा रहे हैं दोस्तों बौध गया, जो कि यहां से 70-80 किलोमीटर दूर है, और दो दिन हमने यहाँ पर स्टे किया है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं बौध गया के लिए, तो देखते हैं दोस्तों आज कब तक हम बोध गया पहुँचते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ है जी मंडल पार्षद हमारे विकास जी राजगिरी से, और सर ने हमें दो से तीन दिन के लिए हमें रुकने के लिए यहाँ पर रूम प्रोवाइड करवाया बिल्कुल फ्री, और मैं तय दिल से धन्यवाद करता हूँ विकास जी का। तो विकास जी चलते हैं, थैंक यू आपका बहुत बहुत। तो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखा दीजिए। ठीक है सर, तो अभी मैं अपना मोबाइल नंबर सर को लिखवा देता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों हम आगे, सर को ऑफिस है यहाँ पर, हमें अपना मोबाइल नंबर और लिखवा देते हैं और फिर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम राजगीर से दोस्तों निकल चुके हैं, और ये दोस्तों है गुरुद्वारा यहाँ पर। आप गुरुद्वारे में यहाँ पर लंगर की सुविधा रहती है, और अगर आप लंगर राजगीर में खाना चाहते हैं तो यहाँ खा सकते हैं। ये गुरुद्वारा है, तो अभी दोस्तों देखते हैं हमें बोध गया जाना है, कितने टाइम तक हम पहुँचते हैं। अगर हमें प्रॉपर लिफ्ट मिल जाती है तो बढ़िया है, वरना पैदल तो हम चल ही रहे हैं। और बाकी जंगली रास्ता है दोस्तों, ये जंगली जंगल है, तो देखते हैं दोस्तों, थोड़ा संभल के भी चलना पड़ेगा क्योंकि जंगली रास्ता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक चलती रहती है, पर फिर भी थोड़ा ध्यान से हमें चलना पड़ेगा क्योंकि जंगली रास्ता है। तो दो दिन दोस्तों हमने यहाँ पर गुजारे हैं राजगीर में, और हमने यहाँ पर विषम कुंड, सूर्य कुंड और सोन भंडार और एक और था मेरे दिमाग से नाम निकल गया उसका, तो वो चीज़ें हमने दोस्तों देखी यहाँ पर। और अभी दोस्तों हम चल रहे हैं, और आज हम बोध गया अगर पहुँच जाते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा, और वहाँ जाकर फिर हम दोस्तों आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो वट वृक्ष भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहना दोस्तों ब्लॉग में, और तब तक दोस्तों हम चलते हैं राधा देवी मंदिर आता है यहाँ पर, जय माता दी। और ये देखिए पूरा जंगल है, इस हिसाब से काफ़ी लंबा जंगली जंगल है, और ये जरा देवी मंदिर। थैंक यू भैया का बहुत बहुत। कितने किलोमीटर तक जाओगे आप? तो भैया जाएंगे 25 किलोमीटर तक आगे, तो 25 किलोमीटर के हमें डायरेक्टली राजगिरी से, तो आप आराम से बैठते हैं 25 किलोमीटर तक। थैंक यू भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। बिलगंगा यहाँ पे उतार दिया है, और उन्होंने बताया कि अगर वो सीधे जाते हैं जहाँ से वो जाते हैं तो वहाँ से थोड़ी दूर पड़ता, तो उन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया है। और यहाँ से दोस्तों हमारा ये रहा बहुत गया है, 255 किलोमीटर दूर है, तो इस रास्ते दोस्तों हम चलते हैं और देखते हैं दोस्तों कब तक हमें, अगर सेकेंड लिफ्ट हमें मिल जाती है बढ़िया, तो क्योंकि फर्स्ट लिफ्ट हमें मिल चुकी थी, और अब सेकेंड लिफ्ट देखते हैं कब तक मिलेगी। तब तक हम चल रहे हैं पैदल, और ये गांव है, और ये हमारे पीछे ये बोर्ड है जैन मंदिर विश्व शांति स्तूप। जाना चाहिए था बट क्या करूं, जा नहीं पाया मैं, क्योंकि एक ही जगह 2-3 दिन हो सके, तो रहने का भी देखना पड़ता है। तो कोई नहीं, चलो अभी चलते हैं और देखते हैं दोस्तों हमें
अरे लिफ्ट कब तक मिलती है, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ यहाँ पर दोस्तों, ये पहाड़ी इलाका है और घूमने के हिसाब से बिहार का सबसे बेस्ट जगह है राजगिरी। यहाँ आपको बहुत सी जगह घूमने के लिए मिल जाएगी, तो चलते हैं दोस्तों तब तक और देखते हैं हमें अपनी लिफ्ट कब मिलती है। सेकंड लिफ्ट मिल चुकी है, थैंक यू भैया का बहुत बहुत, थैंक यू भैया बहुत बहुत आपका, थैंक यू भैया। तो हमें लिफ्ट मिल चुकी है भैया, देखिए कितने दूर तक जाएंगे, कितनी दूर तक जाएगा भैया फिर भी? आपको कम से कम 12-13 किलोमीटर छोड़ेंगे। तो भैया आप 12-13 किलोमीटर दूर तक हमें छोड़ेंगे, तो यहाँ से बिलगंगा दोस्तों एक है 55 किलोमीटर के आसपास है गया, तो 12-13 किलोमीटर तक भैया छोड़ेंगे हमें। तो थैंक यू भैया को बहुत बहुत, तो चलो आराम से बैठो भैया। भैया बोल दीजिएगा दोस्तों, भाई लोगों ने हमें लिफ्ट दी थी गाड़ी से, तो 8-9 किलोमीटर की हमें लिफ्ट दी है भाई ने, और अभी दोस्तों हम चल रहे हैं। और भाइयों ने एक बात और बताई है मुझे कि इस रास्ते पर थोड़ा संभल के, क्योंकि ये थोड़ा एरिया इसी तरह का है, क्योंकि भाई यहाँ नालंदा से हैं ये भाई भी, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा संभल के। तो चलो देखते हैं दोस्तों, महादेव के सारे हैं, जो होगा देखी जाएगी, फिलहाल तो अपनी सेफ्टी तो लेकर चलते हैं यहाँ पर, फिर भी थोड़ा समझ के हम चलेंगे क्योंकि भाइयों ने बोला कि थोड़ा एरिया इसी हिसाब का है। तो एक बात और, इसी रोड पे दोस्तों दशरथ मांझी माउंटेन मैन है, जो अगर आपको नहीं पता तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों। दशरथ मांझी जी वो इंसान है जिन्होंने 22 साल एक पहाड़ को छैनिया तोड़े से तोड़ दिया था, और पहाड़ के बीचों बीच तोड़कर उसको एक सड़क बनाई थी, क्योंकि उनकी वाइफ की मौत हो गई थी, क्योंकि जब वो पहाड़ के ऊपर से उनकी जो वाइफ थी वो पहाड़ से गिर गई थी, तो उसका इलाज कराने के लिए जब वो गए थे, तो पहाड़ के ऊपर से गए थे तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, और जब उनकी वाइफ की मौत हुई तो इसी सदमे से ऊपर नहीं पाए, तो उन्होंने ये ठान लिया कि मैं इस पहाड़ को तोड़ के हटूँगा, और उन्होंने दोस्तों इस पहाड़ को तोड़ दिया था। तो आगे देखते हैं, चलते हैं। बहुत बहुत भैया ने हमें लिफ्ट दी है, भैया गुड़गांव रहते हैं वैसे तो, अभी भैया हमें देंगे थोड़ी दूर की लिफ्ट, हमें गुड़गांव मारुति में रहता हूँ। मारुति में हो? मारुति में तो मेरे मामा जी का लड़का एक भाई गुड़गांव में है, वो भी मारुति में लगा हुआ है, वो भी टीम नाम है उसका, मारुति में आप भैया जी हमें लिफ्ट देंगे आगे। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं दोस्तों द माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी के गांव में, और ये देखो दोस्तों ये रहे बड़े बड़े पहाड़, और यहाँ पर है दोस्तों हम अभी, और हम ये आपको वो रोड भी दिखाएंगे जहाँ पर दशरथ मांझी जी ने 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस विशाल पहाड़ जैसे पहाड़ है, इस विशाल पहाड़ को बीच से चीरकर एक सड़क बनाई थी, और उसका इतिहास जो है सड़क का वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ, और अभी यहाँ से दशरथ मांझी रोड पड़ा है 3-4 किलोमीटर और आगे पड़ा है। भैया ने पीछे लिफ्ट दी थी पर वो साइड से चले गए थे, तो मुझे उस रूट से जाना नहीं था, वरना वो हमें 10-15 किलोमीटर के आसपास की लिफ्ट हमें देते, पर मुझे जाना था सीधा, तो भैया उस साइड निकल गए थे। तो अभी मैं चल रहा हूँ पैदल पैदल, बाकी यहाँ देखिए दूर दूर तक आपको कोई दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देगा, और सिर्फ आपको दिखेंगे सिर्फ ये पहाड़ मेरे पीछे। तो अभी खड़ा हो यहाँ पर, ये मेरा बैग पड़ा है, ये मेरा जो बोर्ड पड़ा है, मैं हूँ, मेरा बैग है, बस हम दोनों हैं अभी फ़िलहाल तो, और देखते हैं कब तक पहुँचते हैं हम पैदल पैदल, क्योंकि यहाँ पर लिफ्ट की तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये एरिया थोड़ा ऐसा ही है, और थोड़ा अभी बिल्कुल कोई नहीं है दूर दूर तक, तो थोड़ा डर भी लगता है ऐसी जगह, क्योंकि कुछ भैया ने पीछे बोला था कि थोड़ा एरिया ऐसा ही है, थोड़ा ध्यान से।
और है भी थोड़ा, क्योंकि एरिया ऐसे ही है, क्योंकि दूर दूर तक यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं, और मैं भी चल रहा हूँ पैदल पैदल, तो कोई इक्का दुक्का तिक्का कुछ, कोई लोग आ रहे हैं जा रहे हैं बस, वैसे कोई जान रहा है यहाँ पर। तो अभी मैं खड़ा था थोड़ी देर, तो लिफ्ट की तो गुंजाइश नहीं है, बस थोड़ा रेस्ट करके तो फिर हम निकलते हैं दशरथ मांझी रोड। और आज दोस्तों हमें पहुँचना है बोध गया, यहाँ पर इस एरिया में तो रात रुकना ठीक नहीं होगा, क्योंकि भाइयों ने बोला था कि इस एरिया में रात देख के थोड़ा रुकना, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से निकल जाएं टाइम से। तो अभी हम चलते हैं, अभी थोड़ा सा रेस्ट करने सोच रहा था, पर चलना पड़ेगा क्योंकि फिर हमें बोध गया जाने के लिए टाइम लग जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये पहाड़ है बड़े बड़े यहाँ पर, और आपको आसपास में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे दूर दूर तक भी, और सिर्फ हैं तो ये बड़े बड़े पहाड़। ये देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, और चलते हैं। फाइनली हमें लिफ्ट मिल चुकी है, भैया जी ने हमें लिफ्ट दिया, थैंक यू भैया का बहुत बहुत। तो भैया जी हमें थोड़ी दूर तक छोड़ेंगे, तो देखते हैं भैया जी कहाँ तक छोड़ेंगे हमें, तो फिर हम पहुँचते हैं दशरथ मांझी रोड, और वहाँ से फिर हम निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, बने रहना ब्लॉग में। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, और दोस्तों ये रही वो सड़क जो दशरथ मांझी ने 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस पहाड़ को चीरकर दोस्तों ये सड़क बनाई थी दोस्तों। तो ये सड़क दोस्तों द माउंटेन मैन दशरथ मांझी के नाम से दोस्तों ये सड़क प्रसिद्ध है दोस्तों। तो अभी हम हैं गांव गहलोर में, जो कि बिहार में गया जिले का एक छोटा सा गांव है, और यहां पर दोस्तों हम दशरथ मांझी द्वारा जो पहाड़ तोड़ा गया था वो देखने आए थे। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर, और अभी दोस्तों हमें पहुँचना है गया, और वहाँ पर हमें बोध गया जाना है, और देखते हैं दोस्तों कब तक पहुँचते हैं हम वहाँ पर। तब तक हम चलते हैं पैदल पैदल, और ये गांव है दोस्तों यहाँ पर, तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पहाड़ों से घिरा हुआ गांव है। और अभी दोस्तों हम चलते हैं, देखते हैं हमें लिफ्ट कब तक मिलती है, तब तक हम चलते हैं पैदल पैदल। और ये जो जगह जो मैं देखने आया था, बड़ा खुश हूँ मैं ये जगह देखने का मुझे मौका मिला, और यहाँ से दोस्तों सीखने को भी एक चीज़ मिली कि अगर आप दोस्तों कुछ करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो, अगर आप पूरी लगन से और अपनी मेहनत से काम करते रहोगे तो आप सफल जरूर होते हो। और दशरथ मांझी जी ने जो पहाड़ तोड़ा है उससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप कोई भी काम कर सकते हो, बस अपने सच्ची लगन से और मेहनत से काम करते रहिए। तो चलते हैं दोस्तों अभी, और देखते हैं हमें फर्स्ट लिफ्ट कब मिलती है यहाँ से। मिल चुकी है भैया जी का दिल से थैंक यू बहुत बहुत, भैया जी ने हमें लिफ्ट दिया है, और देखते हैं भैया जी कहाँ तक छोड़ेंगे हमें, तो तब तक हमें बैठे हुए आराम से। कैंप बोध गया, और अभी हम जा रहे हैं दोस्तों एक बिरला धर्मशाला है, वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर रूम वगैरह मिलता है नहीं, बाकी देखते हैं अभी, तो फिलहाल जाते हैं बिरला धर्मशाला में।